पूरा ये मानना है सर कि पूरी तरह से उसको हत्या की गई है, हत्या की गई है। और माननीय हमारे जो यहाँ के माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय जी है, नज़दीक में ही उसको जाके ले आइए, पूछ लीजिए तो सही मामला पता तो चल जाए कि लड़का कहीं गया है कि क्या है। मोबाइल मिला है, मोबाइल मिलना तो उसको कैसे मिला है मोबाइल। हेलो, तरंग न्यूज आपकी क्या सहायता कर सकता है? इंतजार करें, जल्द पहुंच रहे हैं। नमस्कार दोस्त, मैं रवि कुमार आपके साथ और आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज। जो सीधी की एक वारदात से आपको परिचित करवाना चाहूंगा। वक्त हो चुका है इस टाइम पर जो है 7:45 बज रहे हैं, यानी कि 6:45 पर शाम को, जहां आपको बता दूं कि ढलती शाम के साथ साथ एक ऐसा भी केस है जो कि ढल चुका है। एक ऐसा लड़का है जो ढल चुका है इस तालाब में, इस सरोवर में जो आप देख रहे हैं इस टाइम पर। ये वो तालाब है जहाँ आज से लगभग 15 दिन पहले एक लड़का इसी तालाब में जो है डूब कर मर गया, या कहूँ कि किसी के द्वारा उसे फेंका गया, लेकिन डूबने से ही उसकी मौत हुई। सबसे बड़ी चीज़ें जो इसमें देखने को मिल पा रही हैं, आशंका जताया जा रहा है कि इसके साथ जो है 4 और उसके मित्र यहाँ पर मौजूद थे। जो चारों मित्रों में कुछ न कुछ ऐसा कुछ देखा गया कि एकाएक यहाँ पर धम्म की आवाज़ आई, जैसे कि पानी में किसी ने छलांग मारा हो या किसी ने फेंक दिया हो, एक ऐसी आवाज़ आई जिसको लेकर के यहाँ पर जो है इस तालाब में ही जो इसके बगल में निवास करने वाले जो और यहाँ पर महिला हैं या पुरुष हैं, उनको जब ये सुनाई दिया तो बाहर निकले। लेकिन जब बाहर निकले तो उनके द्वारा कुछ खास पॉइंट सुनने को नहीं मिला, उनके द्वारा ये कहा कि कुछ नहीं है। यहाँ पर जो है उन्हीं के रिलेटिव यानी कि परिजन मौजूद हैं, उनका कहना है। इन परिजन से हम जानने का प्रयास करेंगे कि इनके द्वारा पूरी बात क्या बताई जा रही, जो कि आपको बता दूं कि 23 तारीख की यह वारदात बताई जा रही और 24 तारीख को जो है तो सब मिलता है, और वो भी यही तालाब जो है उगल रहा वो सब। आइए जानते हैं क्या पूरा मामला था, बताएं क्या कहना चाह रहे हैं सर। 23 तारीख को शाम के 4 बजे के करीब घर से लड़का निकला है, और 23 तारीख को रात को वो घर नहीं आया। जब रात में घर नहीं आया, पूरी रात जो है हमारे 11:30 बजे के करीब घर गया, क्योंकि एक दिन पहले ईद थी। तो क्या होता है कि जैसे 9 बजे दुकान बंद करके इधर कहीं रिश्तेदारी में रिसमई वगैरह के खाना है और ये सब घूमने जाना, तो 11 बजे करीब मैं घर गया तो हमारी जो मिसेज हैं उन्होंने बताया कि अभी अरशद घर नहीं आया है। तो इसके बाद थोड़ी और देर हो गई, तो 12 बजे से मैं उसकी तलाश करना रात में चालू कर दिया। आसपास देखा, पहले तो पता किया, इधर उधर पता किया उसके मतलब नज़दीकियों से, मतलब अपने नज़दीकियों में जहाँ रिश्तेदारी में पता किया, और फिर इसके बाद 12:30 बजे के करीब हमने अपने ससुराल में भी फ़ोन लगाया। रीवा में हमारी ससुराल है, तो फ़ोन नहीं उठा। रात हो गई थी कि मैं सोचा कहीं रीवा तो नहीं चला गया है, तो इसके बाद भी हमें जो है चैन नहीं पड़ा। फिर मैं पूरी रात जो है ढूंढता रहा उसको। 3 बजे रात में मैं बस स्टैंड भी बैठा था, वहाँ सोनू जो टिकट काटते हैं उनके साथ बैठा था, एक पंडित जी भी टिकट काटते हैं। 3 बजे करीब मैं वहाँ बैठा था, फिर अस्पताल चौराहे की तरफ आया हूँ, फिर भी एक चक्कर पूरी तरह मैंने लगाया है और रात भर ही ढूंढता रहा। फिर सुबह भी ढूंढता रहा, सुबह करीब 9 बजे के करीब हमारी मिसेज का फ़ोन आया हमारे पास 9 बजे के करीब। उस टाइम मैं अशोक लाज के आसपास था, तो उन्होंने फ़ोन करके बताया कि वो उसका दोस्त एक प्रदुम मिश्रा आया है और फटकी के पास बाहर ही मोबाइल दिया है, और ये बताया कि ये मोबाइल हमको अरशद भैया का गणेश स्कूल के पास रोड के किनारे मिला है, तो जब उनका ऐसा फ़ोन आया तो हमें थोड़ा सा अटपटा लगा कि ये फ़ोन सुबह 9 बजे इसको गणेश स्कूल के पास रोड के किनारे क्यों, इसी को क्यों मिला, क्योंकि सुबह से लोग मॉर्निंग वॉक में जाते हैं तो किसी को भी दिख सकता था। तो मैं तुरंत वहाँ से गाड़ी उठा के और मैं सोचा कि देखूँ अगर गणेश स्कूल के पास ऐसा कौन सा स्पॉट है कि जहाँ मतलब ऐसा मोबाइल फेंका गया हो, इसी को दिखाओ। मुझे ऐसी कोई वहाँ पे ऐसी वो नहीं दिखी, तब मुझे आशंका हुई और मैं थोड़ा सा और आगे निकल गया बाईपास तरफ चला गया। तो बाईपास के तरफ जब मैं गया तो उस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी रीवा आ रहे थे 24 तारीख को, तो चौगड्ढे में अशोक माननीय अशोक बंसल जी की ASI हैं, उनकी ड्यूटी लगी हुई थी, तो कोने में ही मिल गए। हमने उनसे बोला कि सर वो लड़का जो है 23 तारीख को शाम से गोल है और घर से हमारे मैसेज का फोन आया था, उसका दोस्त ऐसे बता रहा कि उसको ये गणेश स्कूल के पास रोड के किनारे उसको मोबाइल मिला है। तो उन्होंने बोला जिसका फोन आया था उसका प्रदुम मिश्रा का नंबर हमको दीजिए, हम बात करते हैं। तो उन्होंने भी फोन लगाया, उन्होंने उस लड़के को तुरंत फोन लगाया,
तो पूछा कि भाई क्या है, पूरा मामला क्या है क्या है। तो उसने बताया कि सर हमको ये रोड के किनारे गणेश स्कूल के पास ये मोबाइल हमको मिला है, हम ये मोबाइल पहचानते थे, तो उनके घर में दया है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं, और इससे ज़्यादा अगर वो बोलेंगे उसके पापा तो हम केस भी कर देंगे मानहान का। इतनी बात हुई है, आप अशोक बंसल जी से भी पूछ लीजिए, उन्होंने फ़ोन लगाया था। इसके बाद फिर हमने जो है अपने व्यापारी संघ के अध्यक्ष को फ़ोन लगाया कि भैया ऐसा ऐसा है, रात में लड़का जो है घर नहीं आया है, और उसका दोस्त जो है घर में मोबाइल जो है श्रीमती जी को हमारे दे के गया है, बताया ही है। तो उन्होंने बोला, हम उनके घर गए थे तो उन्होंने बोला कि रुको रुकिए हम माननीय TI साहब से बात करते हैं। तो TI साहब से उन्होंने बात की तो वो TI साहब द्वारा बोला गया कि हम पूजा करके यही थोड़ी देर में आते हैं, तो उनको भेज दीजिए। तो मैं 10 बजे ही वहाँ थाने में पहुँच गया। थाने में पहुँच गया तो रोहित सिंह परिहार जी हैं, मुंशी जी हैं, तो वो उतनी टाइम थे, तो मैंने उनको भी बताया तो उन्होंने भी फ़ोन लगाया। तो वो लड़के ने प्रदुम मिश्रा ने फिर यही बात रिपीट की कि ये गणेश स्कूल के पास रोड के किनारे हमको ये मोबाइल मिला है, इसके अलावा हम कुछ नहीं जानते। तो उन्होंने बोला अभी कि जो तुम जानते हो तो इसकी जो है बयान आके थाने में दे दो। फिर उन्होंने फ़ोन काट दिया। फिर जो है TI साहब आए हैं 10:30 बजे, माननीय TI साहब आए हैं, तो TI साहब आए हैं तो उनको भेजे हैं, तो उन्हीं के साथ हम गए हैं रिपोर्ट करवाने। वो रोहित सिंह हमको ले गए हैं, हमने अपनी गुमशुदी की एक रिपोर्ट लिखवाई कि लड़का हमारा 4 बजे। वैसे सब कब मिला आपको? तो उसके बाद सुनिए, तो उसके बाद जो है उन्होंने रिपोर्ट लिखी, ठीक है, रिपोर्ट लिखवाई हमने कि भाई ये जो है प्रदुम मिश्रा ने मोबाइल दिया है। तो उसके बाद हमने उनके पुलिस वालों से कई बार गुजारिश की कि सर जो इसने मोबाइल दिया है ये उसका घर नज़दीक में ही, उसको जाके ले आइए, पूछ लीजिए तो सही मामला पता तो चल जाए कि लड़का कहीं गया है कि क्या है, मोबाइल मिला है, मोबाइल मिलना तो उसको कैसे मिला है मोबाइल। तो कई बार उसको बुलाया गया वहाँ से फ़ोन करके, तो वो नहीं आया। फिर आदरणीय पुष्पेंद्र सिंह जी ASI जो हैं उनको भी विवेचना मिला था, वो 4 बजे वो गए हैं, हमारा भाई गया है, एक और पुलिस वाले गए हैं उसके घर, प्रदुम मिश्रा के घर गए हैं, प्रदुम मिश्रा को बुलाने गए हैं। तो उन्होंने, भाई हमारा था साथ में, पुष्पेंद्र दादा ने पूछा उनसे कि ये मोबाइल तुमको गणेश स्कूल के किनारे मिला है, घर में ही उसने पूछा। तो उसने बोला, प्रदुम मिश्रा द्वारा बताया गया कि हमको ये मोबाइल जो है गणेश स्कूल के किनारे नहीं मिले, हम झूठ बोले थे, ये वसीम खान ने हमको दिया है। तो बोले चलो थाने बयान दे दो, तो बोले हम आते हैं। तो 15-20 मिनट के बाद वो अपने मम्मी के साथ थाने आया है, और जब हम 11 बजे थाने गए हैं तो 11 बजे से 4 बजे तक हम थाने में 4:15 बजे तक बैठे हुए थे, उसके भी हिले नहीं है, थाने में ही थे, थाने में कोने में बैठे हुए थे। कि हमको ये था कि किसी भी कदर ये पुलिस वाले उसको ले के आएँ और उससे बयान यहाँ पर ले लें। 5 घंटे बाद वहाँ पुलिस वाले जब पुष्पेंद्र दादा गए हैं तब वो उसके बाद फिर नहीं आया, उसके बाद मम्मी के साथ आया है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है उसने बताया कि हम लोग, ये प्रदुम मिश्रा द्वारा बताया गया कि हम लोग 4 लोग थे सर, 4 लोग थे, और हम लोग जो है 5 बजे मिले हैं, और 5 बजे मिले हैं तो ये हम अड़रिया पेट्रोल टंकी में पेट्रोल डलवाए हैं, और ये खाने पीने का सामान लिए हैं, ये ड्रिंक वगैरह लिए हैं, खाने पीने का सामान लिए हैं, और हम लोग मूढ़ी तालाब गए थे। फिर इसके बाद वसीम खान को बुलाया गया, तो वसीम खान ने पूरा इसकी स्टोरी बताई है कि सर आप वहाँ पर चलिए, मौके पर चलिए, मौके पर चलेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। वसीम खान द्वारा ही, जब वसीम खान को पुलिस वालों के साथ वसीम खान यहाँ 5 बजे आया है, 5 बजे आया है, तो यहीं पे आइए। नहीं, वो मैंने, मेरे पास है उसका वीडियो, बताइए आगे। हाँ, बताइए। वसीम खान द्वारा ही घटना से जहाँ से लाश मिली है, वसीम खान आया वहीं पे, एक तो बांस का टुकड़ा पड़ा हुआ था, वो आके 2-3 बार, हम तो आए नहीं थे, भाई ने बताया कि 2-3 बार ऐसे खोदा है तो डेड बॉडी, थोड़ा थोड़ा बाल दिखा है, फिर शर्ट दिखा है। तो पुलिस वालों ने बताया कि यहाँ पे एंठे का रंठे यहाँ पे ये दिख रहा था, जब शर्ट लाल लाल पहना था वो तो दिखा है, तो फिर बॉडी वहाँ आई है, तो बॉडी लकड़ी के सहारे बताया भाई की खींच ली गई है ले जाके वहाँ आगे उसको लिटाया गया है। लेकिन अब क्या लगता है आपको और क्या चाहते हैं आप? और उसके बाद जिस घटना की रात की बाद, इन लोगों ने जो लड़का जो एक दोस्त की जो है मोटरसाइकिल लेके गया था, वो दोस्त की मोटरसाइकिल, अब हमें पता चली है कि हमारे लड़के का भी आधा पैसा उसमें मिला हुआ था, और उसकी जो दोस्त था उसका भी आधा पैसा मिला हुआ था। वो मोटरसाइकिल, पल्सर मोटरसाइकिल, इन्हीं तीनों लड़कों में से एक लड़के ने मड़रिया धर्मकांटा में कमल कामदार जी का धर्मकांटा है,
वहीं ले जाके रात में ही वहीं खड़ा कर दी थी। उसका सीसीटीवी फुटेज भी है, एक लड़का वहीं ले जाके खड़ी कर दिया, कुछ नहीं बताया। फिर पुलिस वाले उन्होंने कमल कामदार जी ने जो है कमल कामदार जी ने मतलब गुमशुदी वो एक तो बताया कि एक लावारिस मोटरसाइकिल यहाँ खड़ी हुई है। तो दो दिन बाद वहाँ से पुलिस वाले मोटरसाइकिल लेके थाने में आए हैं और ये मोटरसाइकिल इन्हीं के द्वारा ही वहाँ पर खड़ी की गई थी। और जिसकी लाश मिली है उसकी अरशद हुसैन की, उसकी चप्पल वो मंदिर के कोने में घटना से बहुत दूर उसकी चप्पल वहाँ पे मिली है। ठीक है सर, तो इसमें पूरी तरह से हमको संदेह है, पूरी तरह से संदेह है कि इस लड़के को वहाँ से। और ये हम जब पहले दिन 3 तारीख को यहाँ पे आए हैं, 3 तारीख को जब हम यहाँ पे पहले दिन आए हैं तो करीब यहाँ 20-25 लोग थे। तो हमने अपने लड़के के फोटो दिखाई तो उन्होंने बताया इस लड़के को हम लोग कभी मूड़ी तालाब आते जाते कभी नहीं देखे हैं। एक लड़का उसमें ऐसा था जिसने जो यहाँ पे मतलब अक्सर जाया करता था वो वसीम खान है। वो करीब 1.5 साल से यहाँ हमेशा आता जाता है, तो उसको यहाँ बच्चे उसको पहचानते हैं। ठीक है सर, तो इसमें कहीं ना कहीं पूरी तरह से मामला जो है, अगर उनको थोड़ा सा भी होता तो हमको रात में जानकारी दे देते कि बच्चा वहाँ पे डूब गया है। किसी भी तरह से कोई जानकारी नहीं देगी, इन्हें रात में जानकारी दी। एक महिला जो यहाँ पे उन्होंने देखा, उन्होंने भी बोला कि कई बार हमारे पूछने पर वो जब तुरंत उन्होंने नहीं बताया कि कोई डूब गया है। अगर वो बोल रही थी कि अगर वो बोल देते तो उसी दिन सीताराम का प्रोग्राम 9:30 बजे वहाँ हुआ है। ये 8:30 बजे के करीब की घटना है, 8:30 बजे के करीब की घटना है। तो कुछ लोग यहाँ पे मंदिर के, यहाँ से मंदिर देखिए थोड़ा सा उलट पड़ता है, तो मंदिर के पास कुछ लोग आ गए थे और गांव में भी यहाँ आसपास एक दो घर बने हुए हैं। ये अगर बोली कि अगर ये थोड़ा सा भी बोल देता कि कोई गिरा तो हम यहाँ गुहार मार देते, तो लोग उसको बचाने का पूरा प्रयास करते हैं। तो लेकिन जब वो इनकी मनसा ही नहीं थी उसकी बचाने के लिए, इस मनसा से इसलिए इन्होंने कुछ बताया ही नहीं। और उसके बाद भी इन्होंने पूरी तरह से साक्ष्य छुपाने की कोशिश की है। तो मेरा तो पूरा ये मानना है सर कि पूरी तरह से उसको हत्या की गई है। और माननीय हमारे जो यहाँ के माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय जी हैं, पुलिस अधीक्षक जी से महोदय है कि पूरी तरह से इसमें जो है अब तो पूरी तरह से साक्ष्य मिल रहे हैं सर, पूरी तरह से पूरे सबूत हैं, पूरी तरह से गवाह हैं सर। पूरी हमको ये निवेदन है कि इस तरह के अपराधी अगर इस तरह के घूमते रहेंगे, अब तो उनको छोड़ने के बाद वो पूरी तरह से आजाद घूम रहे हैं। इस तरह के अपराधी अगर मारने वाले जो है उनका नाम बताइए, मतलब आपका जो जिनके ऊपर आशंका आप जता रहे हैं। मारने वाले जब समय 4 बजे तक मैं कोतवाली में बैठा था तो वहाँ प्रदुम मिश्रा को ले आया गया था और वसीम खान आया था। तीसरे का जो नाम आया है उस दिन जब मैं बैठा था तो मेरे सामने मुस्तकीम खान मड़रिया का है, वसीम खान मड़रिया का है और प्रदुम मिश्रा गिरी कॉलोनी में किराए से मकान लेके रहते हैं वो। तो वो ये 3 लोग हैं, 2 लोग हमारे सामने। क्या आपने कहीं से पता किया कि इस बीच में झगड़ा वगैरह ऐसा कुछ किसी का हुआ था? नहीं सर, एक झगड़ा कुछ नहीं हुआ, लेकिन कहानी ये है सर कि पूरी जो घटना की सच्चाई ये है, प्रदुम मिश्रा से लड़के से हमारे 3 साल पहले लॉकडाउन के टाइम में जो है जान पहचान हुई थी। ठीक है, अक्सर करके जो है कभी कभी जो है पहले आता था दुकान में बैठता था, हम आते थे तो चला जाता था। फिर इसने क्या है कि शाम को जब जैसे दुकान बंद होती थी, लड़का क्या हमारा पूरा दिन दुकान बैठता था, जैसे 8:30 बजे दुकान बंद होती थी तो आके मोटरसाइकिल खड़ा हो जाता था। तो हमने कई बार मना किया कि भाई यहाँ ना आया करो, तुम लड़कों को हम किसी के साथ नहीं भेजते हैं। तो कई अंकल जी हम लोग लौंग भी नहीं खाते हैं, कुछ नहीं करते हैं। जब 3-4 महीने बाद लॉकडाउन के बाद हमको पता चला कि ये नशा करता है और नशा सिखा भी रहा है, तो एक दिन मैंने उसको जाके और बताया कि भाई देखो ऐसा है ना, आज से तुम लड़के को पहचानते हो ना तो लड़का तुमको हमारे पहचानता है, आज के बाद तुम दोनों नहीं मिलोगे, नहीं फिर ठीक नहीं होगा। तो 1.5 साल तक तो ये बिल्कुल माना हुआ था सर, किसी भी तरह की जो है इसकी जान पहचान उससे सुनने में नहीं आया। ठीक है, इसके बाद अभी 1 महीना पहले की बात है, कॉल रिकॉर्डिंग में उसके आ जाएगा। तो 1 महीना पहले बाद हमें पता चला कि प्रदुम मिश्रा के साथ फिर से देखा गया है उसके साथ। तो मैंने फ़ोन किया था करीब, मैं उस समय नगर पालिका में था, 1:30 बजे के करीब की बात है, दोपहर में कॉल रिकॉर्डिंग निकाली जाएगी तो पूरी आ जाएगी। करीब 30 मिनट हमने इससे बात की थी, हमने बोला था कि हमने आपको मना किया था इसके पहले भी कि उसके साथ नहीं रहना, फिर आप देखे गए हो। तो पहले तो वो झूठ बोलता रहा, फिर बोला कि हाँ अंकल जी वो क्या है कि एक दिन अरशद भैया बुलेट मांगे तो हम दे दिए और इधर उधर बताने लगा। तो हम बोले देखो यार, जब हमने मना किया है तो तुमको उसके साथ रहना ही नहीं है। यहाँ पर जो है महिला भी है, मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जिस दौरान लड़के को फेंका गया पानी में, या कहूँ कि वो जब लड़का पानी में गिरता है उस टाइम पर आवाज़ आती है जोर की, यहाँ पर जो है महिला के द्वारा जब आवाज़ सुनी जाती है तो मकान से बाहर निकलती हैं और बाहर निकलने के बाद तत्काल ही जो है आपके द्वारा पूछा जाता है, सवाल किया जाता है कि आखिर में यहाँ पर क्या गिरा। तो जब आप पूछती हैं तो क्या कहते हैं वो? हम वन से जब आए घरे से अपने, तो हम पूछा नरे का होएगा का होएगा का होएगा, तो बोलवा ही नहीं भी।
जब वो नहीं बोले तो हम लौट गए। जब हम लौट के गए अपन आगने में तो वो वहीं कहीं निकल गए रोड है रोड चले गए वहीं कहीं। कितने कितने लोग थे? तीन लोग मतलब दो थे बाहर खड़े रहे एक पानी से निकल रहा। पहचानती थी आप उन्हें? नहीं पहचानी दो का एक पहचानी थी। किसे पहचानती थी? या वसीम खान का। वसीम खान को हाँ। तो जब पानी में गिरा तो आवाज आई हाँ, लेकिन बताए को किसी ने नहीं बताया? नहीं बताई। फिर सुबह क्या बताए जब बॉडी जब मिली तब क्या बताया वो के? जब लड़के की बॉडी मिली तब क्या बताया गया वसीम खान? हाँ वो क्या बताई सब नहीं सुना नहीं बहुत लोग बॉडी निकाल रहे थे तब यहाँ पर आप मौजूद थी? बहुत लोग रहे हैं ना मतलब आप भी थी? आप भी थी नहीं सुन पान का क्या बात है? आप भी थी यहाँ पे? हाँ रहे हैं। तो उस दौरान जब बॉडी निकाल रहे थे तो लड़के वो मौजूद थे या नहीं थे? एठे रहा है दूठे नहीं रहे। अच्छा आपका नाम क्या है? हम पुष्पा भारती। पुष्पा भारती। भारती यही आपका निवास है? हाँ। क्या नाम है आपका फिर से बताइए पूरा नाम? पुष्पा भारती। पति का नाम? राजेश भारती। उम्र आपकी? 30 साल 30-35 साल। 30-35 साल की। ये कौन सा ये तालाब है? मूड़ी तालाब। मूड़ी तालाब है। वो लड़के कभी यहाँ आते जाते थे पहले भी की? नहीं दिखे हम कभी। आपने कभी नहीं देखा? वो जो लड़का की मौत हो गई है वो काम नहीं दिखे रहे कभी। ये एक संदिग्ध मामला सीधे देखा जा रहा है कि आपके पूछने के बावजूद भी जो है लड़का जो वहाँ पर मौजूद और जो लड़के थे वो कोई बताने को तैयार नहीं। अगर बताया गया होता तो शायद यहाँ पर मौके से उसे बचाया भी जा सकता था, लेकिन ये जो वारदात है कहीं ना कहीं संदिग्ध है और इस पर जो है आशंका भी जताई जा रही है कि उस बच्चे की जो है जो 23 साल का जो व्यक्ति है कहीं ना कहीं उसकी हत्या हुई है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है इस पर कि सवाल ये उठता है कि वो गिरा कैसे, तो ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं उसे शराब या कोई नशा ऐसा दिया गया था कि वो विक्षिप्त के हालत में था और उसे धक्का दे दिया गया पानी में। लेकिन अब पुलिस इस पर क्या करती है क्या जाँच पड़ताल कर रही है वो भी बहुत जल्द देखने को मिलेगा कि आखिर में उसका क्या कहना है। लगातार जुड़े रहें तरंग 24 न्यूज़ से और भी खास खबरों से आपको अपडेट करवाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।